लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी का प्रभार संभालने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा भले ही आम चुनाव में कोई खास कमाल ना दिखा पाई हूं, मगर अब उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कमर कस ली है। एक तरफ वो प्रदेश में पार्टी को मजबूती देने के लिए बैठक पर बैठकें कर रही हैं, तो वहीं अब प्रियंका मिशन यूपी के लिए रायबरेली पहुंच गई हैं, जहां रेल कोच फैक्ट्री के श्रमिकों से मुलाकात कर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। जब से मोदी सरकार ने रेलवे की 7 इकाइयों के निजीकरण को लेकर प्लान तैयार किया है, हाहाकार मचा हुआ है। निजीकरण की इस लिस्ट में रायबरेली की कोच फैक्ट्री भी है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रायबरेली की कोच फैक्ट्री के कंपनीकरण को लेकर श्रमिकों ने आंदोलन छेड़ रखा है, जिनसे मिलने आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची। दरअसल मिशन यूपी में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा आज अपनी मां के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थीं। इस दौरान सबसे पहले वो पार्टी के पूर्व विधायक अखिलेश सिंह के घर पहुंची, जिन्होंने 20 अगस्त को इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। प्रियंका ने दिवंगत नेता के परिवार के साथ करीब आधा घंटा बिताया। इसके बाद प्रियंका गांधी सीधा लालगंज की मॉडर्न रेल फैक्ट्री कोच पहुंची, जहां उन्होंने श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने रेलवे कारखाने के कथित निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं भी सुनी। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने मांग की है कि रायबरेली कोच फैक्ट्री का निजीकरण न किया जाए। इस पर प्रियंका गांधी ने श्रमिकों को आश्वासन दिया है कि वो कारखाने के निजीकरण को रोकने के लिए सभी प्रयास करेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका से पहले सोनिया गांधी भी संसद में इस मुद्दे को उठा चुकी हैं। सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार के राज में रायबरेली की कोच फैक्ट्री का कंपनीकरण किया जा रहा है, जो कि निजीकरण की शुरुआत है। ये देश की अमूल्य संपत्ति को कौड़ियों के दाम चंद निजी हाथों के हवाले करने की पहली प्रक्रिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।